शिमाली हिस्सा निकल जाएगा, अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह ने पूरा होने देगा, मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। बहरहाल ये सारा कुछ होने वाला है, वो वक्त भी आने वाला है कि हुजूर की एक हदीस के मुताबिक एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएगी एक बच्चे का। ये वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। तो परिंदा जो है, कोई एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को, इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं, लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहते। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी, यहां तक कि वह थक हार कर उसकी जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों के हाथ में, या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आलाकार है, उनके हाथ में आता है। मेरे नजदीक इस काम के लिए, इस मलऊन कौम को कि जो हजरत ईसा के जमाने से मलऊन हो चुकी, इसको बाकी रखा गया है, इसे ये मौका दिया गया है, उसने इसराइल बना लिया है। तकरीबन 2000 साल के बाद वो दोबारा आकर आबाद हुए उस सरजमीन में जहां से निकाल दिए गए थे 70 ईस्वी के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इनका ये इस्तिस्ना क्यों किया गया, ये बड़ी तल्ख बात है, ये याद कर लीजिए। क्योंकि या तो कौम उसी वक्त हलाक कर दी जाती, जैसा कि हुआ कौम नूह, कौम हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये हुआ कि नहीं हुआ, और सदूम और आमूरा की बस्तियां जहां हजरत लूत भेजे गए, और आले फिरौन जो हलाक किए गए, या तो पूरी कौम हलाक की जाती, नहीं, ये यूं समझिए कि इस पूरे मामले को दरमियान में से एक वक्फा दे दिया गया, हजरत ईसा को उठा लिया गया, और हजरत ईसा दोबारा आएंगे, ये क्यों किया गया। अब इसमें मैं बड़ी तल्ख बात आपसे कह रहा हूं, ये आपके लिए कबूल करना आसान नहीं, हलक से नीचे उठने की मुश्किल से। इस कौम को जिंदा रखा गया है जो मलऊन और मंजूबे अलैहिम कौम है। सब सूरह फातिहा में मुफस्सरीन लिखते हैं दालीन ये नसारा है और मग़ज़ूब अलैहिम ये यहूदी है। और कुरान कहता है लुइन अल्लज़ीन कफरू मिन अल किताब अला लिसान दाऊद ईसा ने मरियम, लानत की गई। एक मलून और मग़ज़ूब कौम के हाथों आखिरी उम्मत, उम्मत मोहम्मद और उसका भी बेहतरीन हिस्सा, उस पर अज़ाब उनके हाथों आए, अरबों पर अज़ाब यहूदियों के हाथों आए, इसलिए इनको बचाया गया। ये मैंने कई दफा वाकया सुनाया, मौलाना इस्लाही साहब बताया करते थे, क्योंकि वो राजपूत थे, यूपी के राजपूत मशरकी हिस्से के। या हमारे यहां कोई नौजवान अगर कोई बड़ी गिरी हुई हरकत करता था तो उसके सर पर चमार के जरिए, चमार के हाथों जूता लगवाया जाता था। अगर राजपूत के सर पर राजपूत का जूता गिरा तो चलो तकलीफ तो हुई, लेकिन यह कि राजपूत का जूता गिरा है ना, पड़ा है, लेकिन राजपूत के सर पर चमार का जूता, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी, वो तकलीफ भी है जूता खाने की और इंसल्ट है कि चमार मार रहा है। ये उम्मत सबसे खैरे उम्मत है, कुन तुम खैरा उम्मत, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा।
اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت، اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال بنے ہوئے. کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا میں. لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا، جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ریفیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں. اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نہ دیا، ان کی ذمہ داری میں بہت ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. یہ ہے میرے نزدیک واللہ.